नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग यहाँ पर ठीक है। अपना बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? और फ्रेंड, आप लोग के अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? और देखिए, यहाँ पर लग गए हैं बेटी के लिए लंच बना रहे हैं। फ्रेंड देखिए, ये बना दिए हैं पास्ता। पास्ता बना कर रेडी हो गया, क्योंकि सिंपल सा एकदम पास्ता उनके लिए बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए बना रहे हैं क्या, यहाँ पर आलू धो धाल के डाल दे रहे हैं कुकर में और बैठा दे रहे हैं। इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे और बैठा देंगे उबलने के लिए। और देखिए फिर यहाँ पर आज बना रहे हैं हम क्या, आज बना रहे हैं आटे में के आलू के कचौड़ी और सब्जी आलू दम। और फ्रेंड बादाम आलू में के सब्जी बनाएंगे, क्योंकि कच्चा बादाम है तो देखिए भिगोए नहीं थे, तो इसको गैस पर बैठा करके थोड़ा सा धिक्का देंगे तो जल्दी भी मतलब फूल जाएगा। और देखिए यहाँ पर फूल गया है, तो इसको सिलवटा पर हम पीस लेते हैं, क्योंकि मिक्सी नहीं है फ्रेंड, तो सिलवटा पर ही पीसना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सिलवटा पर हम इसको पीस लिए हैं, पीस करके उठा लेते हैं। और देखिए मसाला भी पीस लिए हैं, अदरक लहसुन जीरा मरीच का पेस्ट यहाँ पर पीस दिए हैं, और गरम मसाला हल्का सा था वो भी पीस लिए हैं, इलायची विलायची। और फिर देखिए यहाँ पर आ गए हैं अब इधर बनाने सब्जी। तो फ्रेंड पहले चोखा को भून लेते हैं, तो देखिए चोखा भूनने के लिए थोड़ा सा डाल दिए हैं जीरा और डाल दिए हैं तेल, तेल गर्म हो जाए इसके बाद डाल दे जीरा। इसके बाद ये हल्का सा मतलब मसाला इसमें से और थोड़ा डाल देंगे और रख देंगे सब्जी में डालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मसाला डाल दे रहे हैं, और ये अदरक लहसुन जीरा मिर्च का पेस्ट है तो यही सब डाल दे रहे हैं, और लाल मिर्च डाल दे रहे हैं कश्मीरी मिर्च, और डाल देंगे चाट मसाला और हल्दी डाल देंगे। चाट मसाला से थोड़ा चटपटा हो जाता है तो अच्छा रहे। देखिए चाट मसाला डाल दे रहे हैं चोखा में। तो फ्रेंड देखिए यही सब बना रहे हैं आलू में कचौड़ी। और ये है देखिए गरम मसाला, थोड़ा सा तो नहीं है तो ये है मतलब ये गरम मसाला में थोड़ा कम कर जाए, लेकिन दुखी देखिए यही सब डाल दे रहे हैं, डाल करके बना दे रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है और घर में है वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेंड, और पंखा भी चल रहा है, क्योंकि पंखा नहीं चलेगा तो गर्मी बहुत बनाएगा, तो बच्चे लोग भी सोए हैं तो जाग जाएंगे, तो इसलिए पंखा भी चल रहा है वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पंखा की आवाज़ आप लोग को थोड़ा थोड़ा सुनाता होगा, तो फ्रेंड कोई बात नहीं। अब और फ्रेंड आमचूर पाउडर नहीं है तो डाल दे रहे हैं नींबू का रस, थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगेगा, खट्टा तो खट्टा। और देखिए यहाँ पर इसी तरह अब मसाला को हल्का से भून लेंगे, तब इसके बाद डाल लेंगे चोखा को, नमक भी डाल देंगे फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको भून भाज के इसके बाद सब्जी, देखिए यहाँ पर मसाला भुजा करके लाल हो गया, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है मसाला। और फ्रेंड देखिए यहाँ पर इसको जितने ज़्यादा भूजेंगे मसाला को ना उतने ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर चोखा वोखा डाल करके भूज लिए हैं, देखिए कैसा मेरा चोखा भुजा करके रेडी हो गया है फ्रेंड। आइए देखिए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए इस तरह काम धंधा होता रहता है, और फ्रेंड वीडियो में बना रही है इन तक, तभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं। और इसी तरह देखिए फ्रेंड वीडियो अब डाल दे रहे हैं तेल, इसके बाद डाल देंगे जीरा, फिर डाल देंगे अब थोड़ा सा फ़ोरन वोरन, अब इसके बाद प्याज व्याज डाल देंगे, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये भी काम तीन चार काम कर रहे हैं, इधर सब्जी भी छौंक दिए हैं और इधर ये सतपुतिया भी छिल रहे हैं, और फोन आ गया है तो फोन से बात भी कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर ये कैमरा भी चल रहा है, देख रहे हैं चार पांच काम एक ही साथ हो रहा है। तो यहीं पर देखिए फ्रेंड, तो जल्दी जल्दी ये सब कर लेते हैं, और कुछ फोन से बात कर रहे हैं तो मतलब हंस दे रहे हैं फ्रेंड, तो वही सब। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर सब्जी को अब धीरे धीरे भूज लेते हैं, हल्के आंच पर प्याज भूज रहे हैं, मरचा उर्चा डाल लिए हैं, प्याज भूज रहे हैं,
इसके बाद मसाला डाल देंगे फ्रेंड, मसाले को भी भून लेंगे। देखिए यहाँ पर मसाला डाल दे रहे हैं, अब हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा ये डाल देंगे कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड अब डाल देंगे ये, थोड़ा सा भून लेंगे हल्का से। इसके बाद डाल देंगे ये जो बुके हैं बादाम के भिगो करके, वो डाल देंगे, नमक डाल देंगे बादाम को, क्योंकि दूध जैसा बुक दें तो दूध जैसा हो गया है फ्रेंड, तो मतलब लगता है कि दही है बादाम का जो उस पहली बार हम बना रहे हैं ऐसे सब्जी। तो फ्रेंड आप लोग भी ऐसे ही बनाकर अपने घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीन नहीं मानिएगा फ्रेंड इतना टेस्टी बना था कि मुँह में पानी आ गया। और फिर देखिए यहाँ पर इसको डाल दे रहे हैं, लगता है कि दही है। तो फ्रेंड देखिए इसी तरह इसको जितना ही ज़्यादा भूजेंगे उतना ही टेस्ट दोगुना इसका बढ़ेगा। तो जल्दी जल्दी इसको भूज लेते हैं, देखिए ज़्यादा भूजेंगे इसको, देखिए इसी तरह करके भूज लेंगे, क्योंकि ये डाल दें तो लगता है कि हल्दी इसमें डाले ही नहीं है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर नमक भी डाल दे रहे हैं, अब भूजेंगे इसको, भूजते जाएंगे, भूजते हुए इसको तब तक भूजेंगे जब तक ये मतलब पूरा लाल टाइप के ना हो जाए। और देखिए यहाँ पर देखने में थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन खाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और फिर देखिए इसी तरह करके सोचते हैं कि जल्दी जल्दी बना ले, नहीं तो उधर बाबू लोग आ जाएंगे तो फिर थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा। तो हमको बनाने के उतना मतलब और कोई भी आ गया तो अब थोड़ा ये हो गया। फ्रेंड देखिए यहाँ पर, और फ्रेंड देखिए यहाँ पर भुजा गया मसाला, तो एकदम थोड़ा सा हल्का से पानी डालेंगे, और देखिए पानी डाल करके भी थोड़ा भुज लेंगे, और आलू डाल करके आप लोग चाहेंगे तो आलू को मैंने तेल में तल कर भी इसमें डाल देंगे तो और चटक बनेंगे। हाँ तो हम तेल में नहीं तले हैं, इसी तरह मतलब जल्दीबाजी के मारे अब बना दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना ये, अब उधर कोई आ जा रहा है तो उनके, और बाबू मेरा उधर परेशान कर, देखिए उधर बैठे हुए हैं और परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें तो हम बोल डाल रहे हैं क्योंकि आ जाएंगे गैस के जरिए तो बनाने नहीं देंगे बाबू खाना, तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी मतलब, तो जिसके बाद छुट्टी बाल बच्चा हैं तो फिर ये सब तो मतलब देखते हुए चलना है। तो यही सब देखिए अब लाल नहीं दिख रहा है, तो बार बार हम डाल रहे हैं कि जल्दी मेरा सब्जी लाल दिखे लाल दिखे, तो डाल दिए हैं ना तो बादाम, तो इसीलिए दूध जैसा दिख रहा है। हल्दी कितना भी डालते हैं पीला नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं अपना ही खाना है तो क्या। और इधर आ गए हैं देखिए आटा गूंथने, तो देखिए आटा ले लिए है, उसमें हल्का नमक डाल दिए हैं, अजवाइन डाल देंगे और डाल देंगे तेल डाल करके इसको जितना मतलब इसको अच्छे से मिलाएंगे, तेल डाल करके जितना ज़्यादा मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका मतलब से अच्छा बनेगा। तो इस तरह मुट्ठी बांध कर देख लेंगे, मुट्ठी में बना जाएगा लोहे की तरह ना मतलब, तो अब जानेंगे कि हाँ मतलब ये कचौड़ी लायक बन गया है। तब अब पानी डाल करके इसको गूँथ लेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर मैं आटा को गूँथ लेती हूँ, देख जल्दी जल्दी आटा को गूँथ लेते हैं फ्रेंड, तब फिर अब हम दूसरा काम का, उधर सब्जी भी बन रहा है फ्रेंड। तो यही सब देखिए कचौड़ी, क्योंकि क्योंकि 18 तारीख को तेज पड़ रहा है, तो सोचे हैं कि चलो एक दिन दो दिन पहले ही हम बना कर खा लेते हैं, तो एक दिन मतलब उस दिन जहिया खा करके भूखेंगे तो उस दिन तो बनाए, केवल सादा खाना खा करके हम भूखेंगे, नहीं तो ये तेल मसाला वाला खा गए तो थोड़ा बहुत तबीयत खराब होने का डर रहता है, इसीलिए हम दो दिन ही ये सब बना कर खा लेते हैं। और जिस दिन भूखना रहता है खाना खा कर के भूखना रहता है, उस दिन सादा खाना बना कर भूखते हैं, क्योंकि अच्छा रहता है फ्रेंड, क्योंकि तबीयत खराब होने का डर नहीं रहता है। तो यही सब देखिए बना लेते हैं, और देखिए यहाँ पर तेल डाल दिए हैं, गर्म हो गया, इधर आटा भी छान लिए और चोखा भी रेडी हो गया है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर चोखा मेरा कैसा दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग, और
देखिए इधर बना लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पर लुइया कर लिए, क्योंकि एक हाथ ही मोबाइल पेन पकड़े हुए हैं और एक ही हाथ से ये बना रहे हैं। देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, एक ही हाथ से बना रहे हैं तो मतलब बन बन तो जा रहा है लेकिन बिला नहीं पाएगा। तो कोई बात नहीं, बेल करके भी आप लोग को हम दिखाएंगे। तो यहीं देखिए यहाँ पर बन गया है, बेल करके डाल दिए हैं कढ़ाई में। देखिए यहाँ पर कितना थोड़ा ये हुआ है, तो देखिए तब वो सुंदर बना है। जमाई बहुत आ रहा है फिर, क्योंकि देखिए बज गया है 10 और हम सभी बच्चे लोग को सुला करके वीडियो एडिट कर रही हूँ और यही सब चलता आज। अभी मेहंदी भी रखना है क्योंकि कल भूखना है, तो मेहंदी भी रखना है। तो अभी सोचते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो एडिट करके अपलोड में लगा दें, ताकि मतलब रात भर में अपलोड हो जाए तो फिर सुबह में इसको पब्लिक कर देंगे। तो यहीं लगे हुए हैं, हमको आज सोने में बज जाएगा 1 2 1.5 2 बज जाएगा, 1.5 या 2 बज ही जाएगा, क्योंकि मेहंदी भी रखना है, ये वीडियो एडिट करना है, ये करना वो करना सब। और बाबू लोग 1 2 1 घंटा मिलेगा सोने के लिए, फिर 4 बजे जग। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है, और आइए आप लोग भी, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।